भारत आज चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, तो अब चंद्रयान 3 क्यों? तो हमारे मनों में ये सवाल आता है, भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है? हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है? चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इनसे क्या हासिल होगा? और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा चंद्रयान 3 के बारे में। अगर आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को मैं आपको कुछ चैप्टर्स में बताऊँगा। चैप्टर 1, चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, चलिए जानते हैं। और अक्सर आप सब ने देखा होगा, अगर हम कोई भी स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है चांद पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सच तो यह है, हमारी पृथ्वी और चांद के बीच में अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट बीच में आ सकते हैं। द मून इज़ वेरी फार। मून एक सिर्फ सैटेलाइट नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस सामने आती हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे, अमेरिका से पहले USSR चांद तक पहुंचा था लूनार 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 से 10 साल पहले 1959 में। रशिया ने कभी भी चांद पर इंसानों को नहीं भेजा है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो सबसे पहले थे। दुनिया में सिर्फ ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, जिसका मतलब है कि लैंडिंग करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर हमने ये एक बार प्रूव कर दिया कि सॉफ्ट लैंडिंग इसरो कर सकता है, तो हम इम्पॉर्टेंट स्पेस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है वो काम हम भी कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। 2008 में हम चंद्रयान के जरिए चंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रॉब था जिसने हार्ड लैंडिंग करी थी। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हो। इम्पैक्ट 384,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कवर भी करी, लेकिन एक सॉफ्टवेयर ग्लिच होने की वजह से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर चांद के सरफेस होने के बावजूद हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। प्लान ये था, विक्रम रोवर 14 दिन के लिए मून के सरफेस पर स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है। भारत के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने दिखाने के लिए, और ये सारी इम्प्रूवमेंट हम चैप्टर 2 में जानेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि है उसकी लैंडिंग लोकेशन। आपको पता ही होगा अर्थ एंड मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप में है। आप सबको पता होगा अर्थ मून से टाइडली लॉक है, मीनिंग ये है कि मून की हमेशा एक ही साइड अर्थ की सरफेस से दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा अर्थ की वजह से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली अर्थ मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचाई नहीं। इन क्रिएटर्स के बारे में स्टडी करके हम अपने अर्थ और सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रिएटर्स में पानी छुपा हुआ हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन्स। एट द सेम टाइम यहाँ पे हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्स हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट बन सकता है। चैप्टर 2, वाई दिस मिशन इज डिफरेंट। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई? 5 पॉइंट्स हैं और सबको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जहाँ 3 मेन कॉम्पोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका है और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, लेकिन इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नंबर 2, पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 की टीम ने चंद्रयान 2 की मिस्टेक से अब इस बार इम्पॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सर्वाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन उतना पावरफुल नहीं था, इसलिए वो लैंडिंग करने से पहले स्पीड कम नहीं कर पाया और उसे जहाँ लैंड करना था
उससे कुछ 750 मीटर दूर जाकर गिर गया और अब हमारे इंजन की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। एट द सेम टाइम उसमें हैजार्ड डिटेक्शन भी ऐड हुआ है। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट्स। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर डिटेक्शन के साथ एक्सोप्लैनेट्स में भी यूज हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलामेट्रिक ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है जिससे हमारी अर्थ का डेटा रीड करके हमारी सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ के उन्हें ढूंढने में यूज हो सकता है। नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 का लॉन्च इम्पोर्टेंट एक और वजह की वजह से भी है और वो है LVM3 लॉन्च व्हीकल जो हमारे GSLV Mark 2 से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में बात करी जाए इस लॉन्च व्हीकल की भारत के लिए भी सक्सेस करना भारत के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम हैवियर पेलोड अंतरिक्ष में भेज सकते हैं और ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट लेस देन 3 टाइम्स है एवेंजर एंड गेम से भी और अब हम उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं। चंद्रयान का कुल कॉस्ट 650 करोड़ होने वाला है और ये हमारी एफिशिएंसी का प्रूफ है। चैप्टर 5, इसरो पैसों की बर्बादी है क्या। जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून लॉन्च करके हमारा मजाक उड़ाया था। ऐसे कार्टून्स चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते हैं? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून्स यूएई के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या यूएई परफेक्ट है? भारत एक उभरता देश है और तब भी ये स्पेस सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। शायद ये बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती। वो ऐसा सवाल पूछते हैं, कैन इंडिया अफोर्ड अ स्पेस प्रोग्राम। चलिए हम बात करते हैं, चलिए जानते हैं हम इसरो में आने वाले प्रोजेक्ट्स पे कितना खर्च करते हैं। हमारे इसरो पर सवाल आने वाले हैं ये हमारे सतीश धवन सर को पता था, इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने वो सैलरी के तौर पे सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे। इसी एफिशिएंसी की लेगेसी इसरो आगे भी कैरी करता है। हम कंसिस्टेंटली अपने 20 सालों से स्पेस प्रोजेक्ट का बजट बढ़ा रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ये हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.8% है। कंपैरिजन करें, हम अपनी पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ स्पेंड करते हैं, लेकिन इससे हमें क्या मिलता है? हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पे नजर रखने के लिए आंखें मिलती हैं। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि वो अरुणाचल में अपने लोग भेजता रहता है, वहाँ ऐसे सेटलमेंट्स बनाता रहता है। धीरे धीरे अनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है, लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट हमारी सिक्योरिटी तक इसकी जानकारी पहुंचा देते हैं। 10 से ज्यादा सैटेलाइट चाइना की नेवल एक्टिविटी को सर्वेलेंस करते हैं। जब 2019 में फाइनेंस साइक्लोन आया था, इसरो के सैटेलाइट्स ने टाइम रहते हुए हमें वार्निंग्स दी। इन्हीं सैटेलाइट की मदद से ओडिशा से 11.5 लाख लोगों को एवैक्यूएट किया गया और आज ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है और यूनाइटेड नेशन भी ओडिशा का डिजास्टर मैनेजमेंट सीखने के दूसरे देशों को सलाह देता है। ओडिशा हमारी इसरो हमारी ज्योग्राफी को देख के दूसरे देशों को स्टडी करने की सलाह देता है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स की जानकारी हमें एडवांस में मिल जाती है और इन सब की जानकारी मिलने से हम बेहतर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, होने वाला नुकसान को कम कर सकते हैं। ये सब हमारी सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ बेहतर बनाते हैं। और इसरो सिर्फ हमारे लिए नहीं, फॉरेन देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करता है और उससे पैसे भी कमाता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए 239 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। पूरी दुनिया भारत की एफिशिएंसी और इसरो पर गर्व करती है और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। स्पेस एक multi-billion-dollar इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान के थ्रू हम चांद पर छुपे रेयर मैटर का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था भारत इंडिया की इकोनॉमिकली के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हाल ही में भारत के स्पेस स्टार्टअप्स को भी एक बड़ा बूस्ट मिला है। इसरो भारत के कई स्पेस स्टार्टअप्स को इनक्रेज, क्योंकि स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले समय में, आने वाले ही कुछ सालों में $24 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। और अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कवर कर पाते हैं और हम भारत में हर साल स्पेस के प्रोजेक्ट्स के 10 गुना पैसा हम अपने भारत में ला सकते हैं। और ये बात विक्रम साराभाई जानते थे। ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इसरो। जब नेहरू जी ने साराभाई से कहा भारत एक गरीब देश है, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हम एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, साराभाई ने उनसे कहा हम एक गरीब देश हैं, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की ज़रूरत है। ये विजन ही है जो आज
इसरो को भारत की नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। जहां बाकी के देश स्पेस का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, हम भारत स्पेस को इंसानियत के लिए बेहतर बनाने का विजन रख रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो हमको अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।